जनाब डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर जी की छेवीं रचना पंजाबी स्थान की जानिब तो प्यार अते व्याह भाग दूजा। जे इस्त्री दा दूजा प्यार होवे तां ओ संपोग लई इसलिए रजामंद हो जाती है क्योंकि पुरश वलों प्रवान कीते जान दा ए एक सौखा अते पक्का राह हुंदा है। कारण कोई भी होवे संपोग दा रिश्ता उसरन उपरंत प्यार बहुता चिर जीवित नहीं रह सकता। प्रेमियां दा एक दूजे सामने निर्वस्त्र हो जाना उन्हां दे आदर्श रूप नूं साधारणता विच बदल दिंदा है अते दोहां नूं सोने विचों पित्तल दिसण लग पैंदा है। जदों बुझारत बुझली जावे तां उसदी रोचकता मुक जांदी है। किसी व्यक्ति जां वस्तु दा अपहुंच होना उस लई लम्मी जद्दोजहद दा आधार हुंदा है। प्यार विच आनंद दा आधार मन इच्छत व्यक्ति दी प्राप्ति नहीं उस लई तांग है। प्राप्ति दे नाल ही तांग मुक जांदी है अते इस दे नाल ही प्यार नूं सियौंक लग जांदी है। प्रेमी लई उड़ीकवान अते बिरही होना बड़ा जरूरी हुंदा है। अपना चाया प्राप्त करके प्रेमी भोगी बन जाता है। प्रेमी उदों तक ही एक दूजे नूं प्रभावित करदे हन जदों तक उन्हां दा नवीनीकरण हुंदा रहे। दोहां व्यक्तियां विचों जिस विच भी खड़ोत आ जावे उस दे खारज होण दी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लिखारी कवि कलाकार आदि अपने निरंतर विकास सदका प्यार दे खेत्र विच वधेरे सफल होंदे हन। प्रेमियां नूं नवें बने रहण लई बहुत मेहनत करनी पैंदी है नहीं तां ओह बेहे हो के एक दूजे तों अक जांदे हन। प्यार कर ही ओह सकदे हन जिन्हां विच अंतां दी मेहनत करन दी आदत होवे पर दुरभागवश प्यार ओह करदे हन जिहड़े मेहनत दे वैरी हन अते अपनी इस अयोगता नूं ओह जमाने उत्ते दोष ला के छुपाउंदे हन। कवि अते कलाकार प्यार दे इवजाने विच वडमुलियां रचनावां दिंदे हन पर वेलड़ अते सुस्त विचार ही फैलाउंदे हन अते निराशाजनक उदाहरणां उसारदे हन। जे दोवें धिरां दा नवीनीकरण हुंदा रहे तां बेवफाई संभव ही नहीं हुंदी। नवीनीकरण दीआं संभावनावां हंडा चुकी धिर सहजे सहजे खारज हो जांदी है अते अपने आप नूं कोसण दी बजाए दूजी धिर नूं बेवफा कह के नफरत करन लग पैंदी है। नफरत असल विच ना खत्म होण वाला गुस्सा हुंदा है अते ए प्यार दा पुठा पासा है। जुर्मा अपराधा डाकियां कतलां आदि दा कारण उपरोक्त नफरत ही हुंदी है। प्यार मंदर उसारदा है नफरत मंदर ढाउंदी है गुस्सा मूर्तियां चोरी करदा है। कई इस भुलेखे दा शिकार हन कि प्यार नाल सारे झगड़े मिटाए जा सकदे हन पर ओ भुल जांदे हन कि सारे झगड़े पैदा ही प्यार दी असफलता विचों हुंदे हन। प्यार नूं जीवंत रखन लई अंतां दी मेहनत दी लोड़ हुंदी है। हर प्रेमी इकल्या ही 10 आदमियां दा कम करन दीआं डींगा मारदा है पर समर्था एक आदमी दे कम दा 10वां हिस्सा करन दी भी नहीं हुंदी। प्रकृति विच साडी दिलचस्पी दा आधार यह हुंदा है कि चन्न तारे सूरज समंदर सब निरंतर कारज विच रुझे हुए हन। जे किसे कारण प्रकृति विच खड़ोत आ जावे तां लोक रब नूं गालां कढ़न लग पैणगे। स्पष्ट है कि प्यार करना सौखा नहीं यह अंगारां उत्ते नंगे पैरां नाल नच्चण दी किरिया है। जिहड़े मेहनत करदे हन उहनां लई महबूब दीआं अखां सुपनिया दे सरोवर हुंदियां हन पर काम चोरां लई इह खुदकुशी दे खूह बन जांदियां हन। प्यार विच असफलता लई असल विच सुस्त काम चोर अते असफल तिर ही जिम्मेवार हुंदी है। जिहड़े हंजुआं नाल औड़ां नूं बहारां विच बदलण दा यतन करदे हन उहनां दीआं रीझां दे बाग झुलसे जांदे हन। प्यार उही कर सकदे हन जिहड़े तली ते सिर टिका सकण इकले ही पहाड़ां दे सीने विच नहर पुट सकन अपना पट चीर सकन कच्चे कड़े उत्ते दरिया विच ठिल सकन मेहनत नाल दाखले लै सकन औखे विषय अते कोर्स पढ़ सकन अते नवे मील पत्थर स्थापित कर सकन। अजोके युग विच प्यार दित्ता नहीं जांदा लिया नहीं जांदा
ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕਲੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।